121 से कामयाब पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर ने नून लीग में शामिल होकर आवाम के दिल तोड़ दिए। लोगों कहते हैं कि वोट तो पीटीआई को डाला था, इन्हें तो कोई जानता भी नहीं, अब ये हलके में आए तो गंदे अंडों और टमाटरों से इस्तकबाल करेंगे। मैं हलफिया बयान देता हूँ, मुझे हल्का एनए 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं वफादार रहूँगा, इसी तरह खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। जब भी ये हलके में आएगा, जहाँ भी आएगा, इसका अंडों से गंदर टमाटरों के साथ इसका इस्तकबाल होगा। ये हमारी पब्लिक का वोट था, इमरान खान की इमानत थी जो इसके हाथ में थी, और इसने उसको 40 करोड़ में अगर बेचा है तो इसने हमारे सारे वोटों का सौदा किया। इसको हमने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से जिताया, और इस जैसा दोगला बंदा इंसान हमने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। दोगला आदमी है, पैसों पे बिक गया, टुकड़ों पे बिक गया, कितनी देर खा लेगा जितने उसने दिए, कितनी देर। जिन्होंने बगैर मेरिट के उसको टिकट दी और बगैर मेरिट के उसको लाहौर का जनरल सेक्रेटरी बनाया, हम कसूरवार हैं। वसीम कादर को वोट तो डाला ही नहीं हमने, हमने तो खां को वोट डाला है, तो उसने ये लिहाजा किया हमारे साथ। पूरा इलाका बहुत परेशान है, वो तो लौटा है ना फिर। ये कैसे हैं जो पैसों नोटों की चमक के आगे जमाते बदल रहे हैं, ये तो पैसों के खैखवा हैं, इन जैसों का बाइकाट करना चाहिए। हम इसे जानते नहीं हैं, वही हल्का हमारा है। फिर वो गंदी सियासत की है, उन्होंने नून लीग में शामिल हो गए हैं। वसीम कादर साहब, आपने क्या किया है? वोट तो हमने आपको पीटीआई को दिया था और आप नून लीग के साथ जाके मिल गए हैं, इसका जवाब कौन देगा मुझे ये बताएं आप।